सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग स्प्रेड रूट चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में, जैसे कि तुमने टाइटल देख ही होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि टॉप फाइव जो एआर गन्स है हमारे फ्री फायर में, मतलब हमारे फ्री फायर में जो टॉप फाइव एआर गन्स है, लाइक 1 2 3 4 5 फाइव तक की जितनी भी एआर गन्स है टॉप फाइव, वो आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ। एंड अगर तुम्हारी फेवरेट एआर गन्स वीडियो में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उदास होने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम लोग इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दोगे एंड अगर तुम कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि इसका पार्ट टू लाना है, तो मैं इसका पार्ट टू भी लाऊंगा जिसमें मैं और एआर गन्स बताऊंगा, ठीक है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए मैं बढ़ते हैं अपन अपनी वीडियो में आगे। एंड अगर कोई भी चैनल पर नॉट, तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर इज मस्ट। तो एक शेयर कर देना किसी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, या गिल्ड का अगर तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह होगा तो उधर इस वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो अब तुम्हारा टाइम वेस्ट बिना किए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो। सो गाइस, जो हमारी पहली गन है वो है हमारी प्यारी प्यारी XM8। तो कुछ ही महीने पहले जो 7 से 8 महीने पुराने प्लेयर्स होंगे उनको पता है कि एक ओबी अपडेट आया था जिसमें XM8 की, मतलब जो डिफॉल्ट XM8 है उसका ही फायर रेट 1+ कर दिया गया था। तो तब से जो हमारी XM8 है, मतलब इतनी बढ़िया सी गन होगी ना, मतलब अगर तुम एक नूब के हाथ में भी उस टाइम पे, अभी तो कुछ ओबी अपडेट्स में इसको वापस से बैलेंस कर दिया गया है, बट उस टाइम पे इतनी ये इतनी अच्छी गन बन गई थी ना, अगर तुम एक दो लेवल के बंदे के भी हाथ में इस गन को दे देते और बोलते थोड़ा सा पाउडर लगा के ट्रैक कर ले, तो वो भी राइस स्टार ही बन जाता उस टाइम पे। बट अब तो इसको पूरे तरीके से बैलेंस कर दिया गया है। एंड तब तो लोग डबल फायर रेट वाली स्किन लगा के चलते थे, मतलब 3+ फायर रेट की XM8 चलती थी उस टाइम पे, बट अब बैलेंस कर दिया गया है। तो जो हमारी पहली 5वीं नंबर पे गन है, मतलब 5th नंबर पे गन है, वो XM8। एंड ये मैंने 5th नंबर पे इसलिए रखी है क्योंकि XM8 जो है हमारी रिकॉइल काफ़ी करती है, एंड इसको काफ़ी कम प्लेयर चलाते हैं आजकल के टाइम में। तो भाई काफ़ी कम प्लेयर चलते हैं, सच सच बताना तुम भी कभी कभी चलाते होगे, तो इसलिए ही मैंने इसको 5th नंबर पे, इस XM8 को मैंने रखा है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी 4th नंबर की गन के तरफ। तो जो हमारी 4th नंबर की गन है वो है हमारी प्यारी प्यारी M60। तो इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग M60 चलाया करते थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चलाया करते थे, तो देखो इस गन को मैं 2nd या 3rd पे भी रख सकता था, ठीक है, बट मैंने इसको 4th पे इसलिए रखा है क्योंकि एक टाइम था जब बहुत सारे बंदे M60 चलाना पसंद करते थे, बट आजकल के टाइम में बहुत कम बंदे ही M60 चलाते हैं। मतलब मान के चल लो पहले इंडियन सर्वर में 60% लोग M60 चलाना पसंद करते थे, मतलब 1 से 2 साल पहले, बट अब इंडियन सर्वर में सिर्फ 10 या 20% लोग ही M60 चलाना पसंद करते हैं। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री भी होंगे जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि देखो सीन ये होता है ना, कोई भी गन का ना एक टाइम होता है, जैसे अभी चल रहा है वुड पैकर और ऑग और इन सब गन का टाइम, तो कल को इनसे भी अच्छी वन टैप मारने वाली गन आ जाएगी, तो ये सारी गन्स को बहुत कम ही लोग चलाएंगे। तो ऐसे ही M60 के साथ भी हुआ, पहले इससे काफ़ी अच्छे ड्रैग हेडशॉट जाते थे एंड बहुत से लोग करते भी थे, बट अब सेम चीज़ हुई जैसे हर पुरानी गन के साथ होती है। तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, अभी तो मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगती है M60, एंड तुम में से भी बहुत लोगों को अच्छी लगती होगी, बट चीज़ ये है कि आजकल थोड़े से कम लोग चला रहे हैं M60 को। तो चलो ये तो हो गई M60 हमारी 4th नंबर पे, अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd नंबर के वेपन की तरफ, मतलब एआर गन के तरफ। सो गाइस, जो हमारी 3rd नंबर की एआर गन है जो है M4A1। तो देखो इस गन को पहले तो लिस्ट में ये गन क्यों है पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ। ये गन फुल मैप में काफ़ी ही कम मिलती है, बट इसको मैंने लिस्ट में इसलिए रखा है, 3rd नंबर में इसलिए रखा है क्योंकि जो जितने भी कस्टम प्लेयर होंगे CS में, बहुत से लोग उसमें से फर्स्ट राउंड में M4A1 चलाते हैं, एंड काफ़ी अच्छी एडवांटेज भी मिलती है इस चीज़ की, क्योंकि M4A1 फर्स्ट राउंड में जहाँ सामने पे बंदों पे होती है डेजर्ट ईगल वगैरह, तुम पे होती है M4A1, तो काफ़ी जो है एडवांटेज मिलता है M4A1 अगर तुम पे होती है फर्स्ट राउंड में, एंड काफ़ी लोग परचेज भी करते हैं M4A1 क्लैश कॉर्ड के कस्टम में फर्स्ट राउंड में, एंड मैं भी कभी कभी M4A1 चलाता हूँ क्लैश कॉर्ड कस्टम में फर्स्ट राउंड में, एंड क्लैश कॉर्ड में मैं काफ़ी अच्छी M4A1 चला लेता हूँ, मतलब ठीक ठाक से चला लेता हूँ क्लैश कॉर्ड रैंक में भी, तो इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। एंड स्किन्स की अगर इसकी बात करें, इसकी स्किन्स अच्छी अच्छी आ चुकी है, एक येलो कलर की काफ़ी अच्छी स्किन है जो मेरे पास है, एंड देखते इसकी अगर कोई आगे चल के लेजेंडरी स्किन आती है कि नहीं आती है। तो ये तो हो गई हमारी 3rd नंबर की गन M4A1, अब हम बढ़ते हैं हमारे 2nd नंबर। तो जो हमारी 2nd नंबर की गन है वो है हमारी ड्रैगनोव। तो इसको मैंने 2nd नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो एक तो ये क्लैश कॉर्ड में है नहीं, एंड फुल मैप में है बट बहुत कम मिलती है फुल मैप में, एंड इसको बाहर के बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे बाहर के बहुत सारे PC प्लेयर्स, मोबाइल प्लेयर्स, एंड इवन इंडिया के भी बहुत सारे प्लेयर्स इस गन को यूज़ करते हैं, मतलब देखा होगा मॉन्टेज वगैरह मनाते हैं बहुत बंदे। एंड ये तो मेरी भी 2nd फेवरेट गन है, मतलब इस वीडियो में तो 2nd फेवरेट है, बाकी ऐसे में तो मेरी फेवरेट गन है ड्रैगनोव, एंड काफ़ी अच्छे हेडशॉट जाते हैं इससे, एंड अगर डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन इस पर लगा
लेते हो तो बहुत धूम मचा देती है गन। और बॉडी शॉट से भी खेल सकते हो, हेडशॉट से भी खेल सकते हो, जिस शॉट से तुम बीच में खेलना है तुम खेल सकते हो उस गन से। काफ़ी अच्छी गन है, बट सेकंड नंबर पे रखने का एक ही रीज़न है कि फुल मैप पे बहुत ज़्यादा ही कम मिलती है, मतलब ड्रॉप्स वगैरह में मिलती है कभी कभार वो भी, एंड अगर मिल भी जाती है तो ड्रॉप्स में मिलती है, क्लैश स्क्वाड में मिलती भी नहीं है, ठीक, क्लैश स्क्वाड में तो होती नहीं है ड्रैगन, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। एंड बाकी तुम अभी स्क्रीन पर इसके शॉट्स देख सकते हो, मेरे तो काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं ड्रैगन से, एंड पर्सनल फेवरेट गन है मेरी, ठीक है। तो चलो अब ये तो गई हमारी सेकंड नंबर की गन, अब बढ़ते हैं हम हमारी आज की वीडियो की सबसे टॉप नंबर की गन पे, जो है नंबर 1 एआर गन। सो गाइस, जो हमारी नंबर 1 पे एआर गन है वो है सबकी फेवरेट, मतलब आधे से ज्यादा लोग तो भाई इस गन को चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते हो तुमने अगर आज तक नहीं तो डूब के मर जाओ, ठीक है, क्योंकि ये गन ऐसी है जो कस्टम में भी होती है, क्लैश स्क्वाड रैंक में भी होते हैं, रैंक में भी होते हैं, इसका नाम है वुड पीकर, वन एंड ओनली, ठीक है। तो वुड पीकर बोलो या वुड पैकर बोलो या जो भी बोलना बोलो, बट ये मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी गन है, एंड इसको मैंने टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि इससे हेडशॉट भी अच्छे जाते हैं, इसकी रेंज भी अच्छी है, बहुत से लोग इसको क्लोज रेंज में भी अच्छा चलाते हैं, एंड ये क्लैश स्क्वाड में भी मिलते हैं, क्लैश स्क्वाड रैंक में भी मिलती है, एंड रैंक में हर टाइम क्लासिक वासिक हर जगह ये गन तुमको मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस गन को रखा है नंबर 1 पे। एंड अब हम वीडियो को एंड करने से पहले हम थोड़े से रैंडम कमेंट पिक कर लेते हैं इसके पहली वीडियो के, तो जो तुम लोगों ने अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे इसके पहले, तो वो अब हम पिक कर लेते हैं 3 रैंडमली। तो चलो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बट अब रैंडम कमेंट पिक देख के जाना, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले एक बार रैंडम कमेंट पिकर देख के जाओ, एंड अगर कभी चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो भूल नहीं मत, ठीक है। चलो सेवनारा। तो चलो गाइस, वीडियो एंड करते करते एक रैंडम कमेंट, 3 रैंडम कमेंट हम पिक करके जाते हैं, तो चलो देखते हैं पहला रैंडम कमेंट किसका है। तो पहला रैंडम कमेंट है हमारे क्रिमिनल भाई का, एंड इन्होंने लिखा है ओपी, सो क्रिमिनल ब्रो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। चलो देखते हैं दूसरा रैंडम कमेंट किसका आता है यहाँ पे, लेट्स सी। दूसरा रैंडम कमेंट है आदित्य भानुशाली का, जो है ओपी गेम प्ले, थैंक यू ब्रो। चलो देखते हैं तीसरा रैंडम कमेंट यहाँ पे किसका आता है, तो तीसरा रैंडम कमेंट है हमारे निक गॉड भाई का, जो है डबल लॉन्ग रेंज इन फुल मैप, दैट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीरो प्लेयर, और आई वुड से गेमिंग स्पिरिट 29। अरे भाई बहुत इतनी ज्यादा ही तारीफ कर दी, चलो थैंक यू फॉर दैट कमेंटिंग, ठीक है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना, एंड जिन भी लोगों के कमेंट नहीं आए तो चिंता वाली की बात नहीं है, इस वीडियो में कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएंगे, जिन भी लोगों के नहीं आए क्या पता उनके आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करते रहना, तुम्हारा भी आ ही जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सबका आ जाएगा। चलो ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टाटा सायो नारा।